ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? लिखें, चलो आज आप देख, मैं जो मैं थोड़ी सी मदद करता हूं, तुम लोगों ने दिमाग लगाया होगा। ही बिहेव्ड, उसने बिहेव किया, तो ये ही सब्जेक्ट हो गया, बिहेव्ड उसका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। एज इफ ही वर अ चाइल्ड, जैसे कि कोई बच्चा हो, तो ये एक सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई, एज इफ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ये ध्यान रखना, इफ है, एज इफ है, दो है, एज दो है, ये सब सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। दे फाउंड द बैग, ये हमारी मेन क्लॉज हो गई, दे सब्जेक्ट हो गया, हैव फाउंड द बैग उसका प्रेडिकेट हो गया। विच कंटेंड द मनी, ये हमारी सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई, विच सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी सबको। द डे व्हेन ही रिटर्न्ड होम, अब इसमें देखना क्या है, द डे जो है ये सब्जेक्ट है, वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रेडिकेट है, ठीक है। द डे व्हेन ही रिटर्न्ड होम, ये मेन क्लॉज है, यहां भी लिख ही देते हैं, है ना। हेलो, ये सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है, ठीक है। और यहां पर ये जो हमने लिखा है व्हेन ही रिटर्न्ड होम, ये सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है, यहां पे जो व्हेन है ना, ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इनमें ये हमने जो क्लॉजेस लिखी है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें, ठीक है, सबको पकड़ में आ गई बात जो समझाएगी। अब देखो, मेन क्लॉज तो मेन क्लॉज ही होती है, उसका तो खैर क्या ही करना, ठीक है। लेकिन जो सबॉर्डिनेटिंग क्लॉजेस होती हैं, वो हमने पढ़ा कि सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करती हैं। अगर कोई सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रोल में हो, तो फिर वो नाउन क्लॉज होती है। अगर कोई सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज सेंटेंस में लिखे गए किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम करे, तो वो एडजेक्टिव के रोल में होती है। और अगर कोई सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज सेंटेंस में लिखे गए किसी वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब को डिस्क्राइब करे, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का रिप्लाई करे, तो वो एडवर्ब होती है। अब देखो, ही बिहेव्ड, हाउ, हाउ डिड ही बिहेव, तो एज इफ ही वर अ चाइल्ड, जैसे कि मान लो कोई बच्चा हो, तो ये लिखी गई क्लॉज जो है ना, वो हाउ को रिप्लाई कर रही है। अगर ये क्लॉज हाउ को रिप्लाई कर रही है ना, तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ का रिप्लाई है ना, तो ये सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज जो है वो एडवर्ब का काम कर रही है, और ये एक एडवर्ब क्लॉज है। दूसरा देखो, दे हैव फाउंड द बैग, उन्होंने बैग ढूंढ लिया है, विच बैग, कौन सा बैग, उन्होंने बैग ढूंढ लिया, विच बैग, कौन सा बैग, तो ये बताने के लिए हमने लिख दिया विच कंटेंट द मनी, जिसमें पैसा था वो वाला बैग। तो ये जो पूरी हमने सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज लिखी है, ये क्या कर रही है, इस नाउन बैग को डिस्क्राइब कर रही है, तो ये एडजेक्टिव हो गई, तो ये क्लॉज एडजेक्टिव हो गई। फिर हमने लिखा द डे वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट डे था, विच डे, कौन से वाला दिन इंपॉर्टेंट था, व्हेन ही रिटर्न्ड होम, जब वो घर वापस आया, वो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो व्हेन ही रिटर्न्ड होम, ये जो हमारी सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रही है, ठीक है, क्योंकि डिस्क्राइब किसको कर रही है, डे नाउन को, तो ये सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज जो है एडजेक्टिव का काम कर रही है, ये सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज भी एडजेक्टिव का काम कर रही है, ये सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज एडवर्ब का काम कर रही है, ठीक है। तो ये तीन सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब फोर्थ में आते हैं, फोर्थ सेंटेंस में आप देखोगे तो व्हेन दे विल अराइव इज नॉट नोन टू एनीवन, वे कब आएंगे ये किसी को नहीं पता है, तो इज नॉट नोन टू नोन जो है, ठीक है, ये हमारा प्रेडिकेट है, हम किसी को बता रहे हैं इज नॉट नोन टू एनी वन, कि किसी को नहीं पता, क्या नहीं पता किसी को, वेन दे विल अराइव, कि वो कब आएंगे, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो इस सब्जेक्ट जो है ना, वो खुद एक सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है, क्यों, क्योंकि इसमें वेन जो है ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दे सब्जेक्ट है, विल अराइव उसका प्रेडिकेट है, तो ये वेन सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो जो हमने सब्जेक्ट लिखा वो एक सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है, और ये सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज इस सेंटेंस में काम कर रही है सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट का काम या ऑब्जेक्ट का काम कोई भी क्लॉज या कोई भी वर्ड करता है, तो वो नाउन होता है, तो ये क्लॉज नाउन हो गई।
अब बच्चे का पूछना यह है सर फोर्थ में विल होगा? हाँ विल होगा, बिल्कुल होगा बच्चे। अब बच्चे का पूछना यहां पर यह है कि इसकी मेन क्लॉज कहां है। जैसे जैसे बाकी सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो द डे वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हमारी मेन क्लॉज है। दे हैव फाउंड द बैग, ये मेन क्लॉज है। ही बिहेव्ड, ये मेन क्लॉज है। तो बच्चा सोचता है इसमें मेन क्लॉज कहां है, ये तो केवल प्रेडिकेट बचा। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी क्लॉज को ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बना के सेंटेंस में लिख देते हो, ठीक है, तो मेन क्लॉज जैसा कोई चीज रहती नहीं है। पूरा स्टेटमेंट एक सिंगल क्लॉज होती है, उसके अंदर जो सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज होती है वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रोल में आती है। तो आप उसको ना ढूंढा मत करो कि मेन क्लॉज कहां है। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको अगर थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए तो वहां पे मेन क्लॉज को पहचानना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हम इस सेंटेंस को, अब तो यहां पे जगह नहीं बची है, मैं अगले पेज पे लिख देता हूं। अगर हम इस सेंटेंस को, जो फोर नंबर हमारा सेंटेंस था, जो सेंटेंस ये था, व्हेन दे विल अराइव इज नॉट नोन टू एनीवन, ये आपको दिक्कत कर रहा है ना, कि आपको लग रहा है इसमें सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है, प्रेडिकेट है, मेन क्लॉज कहां है। तो मैं आपको बताता हूं, अगर हम इसी सेंटेंस को बच्चे थोड़ा सा बदल के लिख दें, कैसे लिख दें इसको, हम इसको ऐसे लिख दें, इट इज नॉट नोन टू एनीवन व्हेन दे विल अराइव। तो ये लो आपका झंझट खत्म हो गया, है ना, हो गया ना खत्म। तो इट इज नॉट नोन टू एनीवन, ये मेन क्लॉज हो गई, और व्हेन दे विल अराइव हमारी सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई। ये लिखी गई सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज नाउन है। ठीक, हमने क्या किया इसकी जगह पे इस इट वर्ड को सब्जेक्ट बना दिया। तो बस ये ध्यान रखना है कि जैसे यहां पे सब्जेक्ट क्या है, व्हेन दे विल अराइव, ये सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज सब्जेक्ट है। यहां पर हमने क्या किया, उस क्लॉज को रिप्लेस करने के लिए एक प्रोनाउन लिख दिया, और ये इट प्रोनाउन जो है ये इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, ये जिस क्लॉज के लिए यूज हुआ उस क्लॉज को हमने सेंटेंस में बाद में लिख दिया। चलो पता चल गया मेन क्लॉज क्या है, सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज क्या है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम किसी क्लॉज को सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है, तो वो मेन क्लॉज का सब्जेक्ट बनी गई, तो आप उसको फिर अलग नहीं कर सकते ना, डिस्टिंक्ट नहीं रहते फिर, वो उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाती है। सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है, मेन क्लॉज के अंदर ही इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि वो उसका सब्जेक्ट बन गई मेन क्लॉज की वर्ब का, तो वो उसके साथ ही है। आप इट इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट लिख के चाहो तो उनको अलग अलग कर सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आई हैव आंसर्ड एवरी क्वेश्चन करेक्टली, ग्रेट, यू आर सपोज टू आंसर एवरी क्वेश्चन करेक्टली बिकॉज यू हैव बीन टॉट दीज थिंग्स इन द बेसिक्स बीओडी। बेसिक्स बीओडी में आपको चीजें पढ़ा दी गई हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेड भी यही है। चलो किसी को कुछ और पूछना है तो? नहीं नहीं नहीं, इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहते, देखो बेटा मैं बता देता हूँ, सुनो यहाँ पर ध्यान से सुनो। जैसे अभी आप लोगों को आगे चैप्टर पढ़ाएंगे ना, या अगर आपको पहले से पता हो, तो नाउन्स के केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, अपोजिटिव केस, ठीक है। तो ये जो हम इट इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज करते हैं किसी क्लॉज के लिए, तो ये लिखी गई जो क्लॉज है ना, ये नाउन इन ऑपोजिशन केस होती है। ये होता है नाउन इन ऑपोजिशन केस, ना ये सब्जेक्ट है ना ये ऑब्जेक्ट है। ऑपोजिशन केस नाउन का ऐसा केस होता है जिसमें हम उसका यूज किसी को रेफर करने के लिए करते हैं, उसके साथ लिख के, ना वो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है ना ऑब्जेक्ट होता है। तो वो लिखी गई क्लॉज नाउन है, ऑब्जेक्ट नहीं है। थोड़ी खोपड़ी यूज करा करो, ऑब्जेक्ट क्यों कहा, कहते बेवकूफ किस्म के हो क्या, ऑब्जेक्ट किसने कहा, ऑब्जेक्ट अगर कोई वर्ड होता है, चाहे वर्ड हो, फ्रेज हो या क्लॉज हो, तो वो ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होता है, प्रीपोजिशन का होता है। अगर तुम इसे ऑब्जेक्ट कह रहे हो तो ऑब्जेक्ट किसका है, एनीवन का, एनीवन प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है क्या ये, टू प्रीपोजिशन का है, उसका तो एनीवन हो गया, ये क्यों कहा तुमने ये ऑब्जेक्ट है, कहते बेवकूफ को। ये पूछो कि भाई सर जी ये नाउन क्लॉज है क्या, ठीक है, वो समझ में आता, तुमने ऑब्जेक्ट क्यों मान लिया इसे। मैं फिर से बता रहा हूं, जो आपको बेसिक्स में 9 लेक्चर्स दिए गए ना बच्चे, उनमें सारे फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाने हैं, और थोड़ा सा अपने को जीरो मान लोगे तो बेहतर सीखोगे। अगर ये मान लोगे पहले से कुछ नहीं जानते हो, जो हमें पढ़ाया जा रहा है बस यही सीखना समझना है, हालांकि ये कहना अटपटा लगता है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, लेकिन कह तो सकते ही है, हो ना हो वो एक अलग बात है। तो सारे बच्चे अगर ये बात मान लें कि हम जीरो हैं, हमें जो यहाँ से पढ़ाया जा रहा है वही हमें सीखना है, ठीक है, तो अच्छी इंग्लिश सीखोगे।
तो ये जो लिखी गई क्लॉज है ना, दिमाग में हमारे आता होगा कि सर जी ने कह दिया नाउन क्लॉज है, तो नाउन क्लॉज तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होती है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट तो होगी नहीं, तो फिर क्या ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये नाउन क्लॉज है अपोजिशन के केस में। जैसे मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो में पढ़ाया, आप लोगों को आगे नाउन चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको भी पढ़ाएंगे उसमें, कि नाउन्स जो होते हैं फंक्शन वाइज उनके केसेस होते हैं। किसी नाउन को अगर हम सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज करें तो वो नॉमिनेटिव केस होता है, किसी नाउन को अगर हम सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट यूज करें तो वो उसका एक्यूजेटिव केस होता है, किसी नाउन को सेंटेंस में अगर हम पजेशन शो करने के लिए, रिलेशन शो करने के लिए यूज करें अपोस्ट्रॉफी के साथ में, तो वो उसका जेनेटिव केस होता है, पजेसिव भी बोलते हैं उसको। अगर हम किसी नाउन का यूज करें एज एन एड्रेस संबोधन के लिए तो वो उसका वोकेटिव केस होता है। अगर किसी नाउन का यूज हम किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन को रेफर करने के लिए एज अ रेफरेंस उसके लिए करें तो वो उसका पॉजिटिव केस होता है। तो ये लिखी गई नाउन क्लॉज जो है ना बच्चे, ये अपोजिटिव केस की नाउन क्लॉज है, ये ना सब्जेक्ट है ना ये ऑब्जेक्ट है, ये इट के लिए अपोजिशन में लिखी गई क्लॉज है। ठीक है, अपोजिटिव केस क्या होता है वो तो खैर नाउन जब पढ़ेंगे तभी ज्यादा क्लियरली समझ पाओगे आप। फिलहाल मैं एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो जैसे मैंने लिखा मोहन माय न्यू फ्रेंड इज अ हैकर। अब जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे जरा, इज वर्ब है, अ हैकर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि इज लिंकिंग वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मोहन सब्जेक्ट है, माय न्यू फ्रेंड क्या है बताओ, सभी लोग बताओ कि माय न्यू फ्रेंड क्या है, माय न्यू फ्रेंड नाउन है ये तो सबको पता होगा, अब ये नाउन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है ये बताओ सभी लोग। मोहन माय न्यू फ्रेंड इज अ हैकर, हाँ ये नाउन है अपोजिशन केस का। ये जो माय न्यू फ्रेंड हमने यूज किया ना बच्चे, ये माय न्यू फ्रेंड जो हमने नाउन यूज किया वो मोहन को रेफर करने के लिए लिखा है कि मोहन कौन है, हमने कहा कि मोहन एक हैकर है। अब मान लो कोई पर्सन है उसको नहीं पता कि भाई ये मोहन कौन है, तो मोहन के रेफरेंस में हमने एक नाउन लिख दिया माय न्यू फ्रेंड। तो ये जो माय न्यू फ्रेंड हमने नाउन लिखा है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है, ये केवल इस मोहन नाउन को रेफर करने के लिए एज अ रेफरेंस लिखा गया जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि मोहन कौन है। तो इसे हम कहते हैं नाउन इन ऑपोजिशन केस। तो ये नाउन इन ऑपोजिशन है, ऑपोजिटिव केस का ये नाउन है। तो जैसे माय न्यू फ्रेंड मोहन के लिए अपोजिशन में यूज हुआ है, वैसे ये क्लॉज है वो इट के लिए अपोजिशन में यूज हुई है। चलो अब आ जाओ समझते हैं। देखिए ये जो हमने सारे सेंटेंसेस लिखे हैं बच्चों, इन सेंटेंसेस में ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सबको पता होगा। हु इज अ टीचर, हु इज अ टीचर, हु इज अ टीचर, हु इज अ टीचर, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ठीक है, आप लोग इनका फंक्शन बताओ कि ये जो लिखे गए सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस हैं ये इन सेंटेंसेस में क्या काम कर रही हैं। ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस हैं डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स को जब हम एज कंजंक्शन यूज करते हैं ना तो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, उनके साथ लिखे गए क्लॉजेस सबऑर्डिनेटिंग होते हैं। आप लोग बस ये बताओ कि ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस हैं इनका इस सेंटेंस में फंक्शन क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। जैसा कि हमें पता है कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जो होते हैं वो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का काम करती हैं, तो आप ये बताइए कि ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस हैं इन सेंटेंसेस में वो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में से किसका काम कर रही हैं सभी लोग। एडजेक्टिव का काम कर रही है, ठीक है, सबको क्लियर हो गया कि एडजेक्टिव का काम कर रही है। हु इज अ टीचर जो क्लॉज है ना वो माय अंकल को, हु इज अ टीचर माय अंकल को, हु इज अ टीचर माय फादर को, माय फादर को डिस्क्राइब कर रही है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉजेस हैं। अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्लॉजेस को हम एक और नाम से भी जानते हैं, रिलेटिव क्लॉज। ठीक, तो हम इनको सीधे लिख देते हैं, तो ये एक रिलेटिव क्लॉज है। ध्यान देंगे सभी लोग, रिलेटिव क्लॉजेस जो होती हैं वो एडजेक्टिव क्लॉजेस होती हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेस का ही एक नाम रिलेटिव क्लॉज होता है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये लिखी गई सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस रिलेटिव क्लॉजेस हैं तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। ठीक है,
क्लॉजेस क्यों लिख दिया? चलो ठीक है, तो ये रिलेटिव क्लॉज है। अब रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, वो सेंटेंस में लिखे गए किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये रिलेटिव क्लॉजेस किसको डिस्क्राइब कर रही हैं? ये रिलेटिव क्लॉज डिस्क्राइब कर रही है माई अंकल को, ये रिलेटिव क्लॉज डिस्क्राइब कर रही है माई अंकल को, ये डिस्क्राइब कर रही है माई फादर को, ये डिस्क्राइब कर रही है माई फादर को। तो रिलेटिव क्लॉजेस जिस नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखी जाती हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कौन बता सकता है, कौन बता सकता है कि रिलेटिव क्लॉजेस सेंटेंस में लिखे गए जिस नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखी जाती हैं, उस नाउन या प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? कौन बता सकता है? ये जो हमारी रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं, ये दो तरीके की होती हैं। एक होती है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस, एक होती है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस। और एक होती है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस। तो रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं दो तरीके की, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। कोई बता सकता है कैसे पता चलता है कि कोई क्लॉज डिफाइनिंग है नॉन डिफाइनिंग? कॉमा से पता चलता है। अब जैसे आप देख रहे हो यहां पे जो सेंटेंस नंबर 3 में हमने रिलेटिव क्लॉज लिखी है उसके साथ हमने कॉमा यूज किया, उसी तरीके से सेंटेंस नंबर 4 में जो हमने रिलेटिव क्लॉज यूज किया उसमें भी कॉमा यूज किया। सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 3 में जो हमने रिलेटिव क्लॉज यूज किया उसके बाद कॉमा नहीं लिखे। ठीक, तो अगर हमने कोई रिलेटिव क्लॉज कॉमास के साथ में लिखी है तो वो नॉन डिफाइनिंग है, विदाउट कॉमा लिखी तो डिफाइनिंग है। तो यह है पहचानने की तरीका, ये समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे देखे कॉमास लिखे हुए हैं, रिलेटिव क्लॉज के साथ कॉमास लगे हुए हैं तो ये नॉन डिफाइनिंग हो गए, यहाँ पे कॉमास लगे हुए तो नॉन डिफाइनिंग हो गए, यहाँ पे कॉमास नहीं लगे, यहाँ पे नहीं लगे तो ये डिफाइनिंग हो गए। तो ये हमने डिफाइनिंग क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज पहचानने का तरीका सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इनका काम क्या होता है? भाई डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग तो हम देख के पहचान लेंगे पंक्चुएशन से, लेकिन अब डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या है इनमें, ये हमें समझना है। तो देखो डिफरेंस क्या होता है समझना। जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस होते हैं बच्चों, नॉन डिफाइनिंग जो हमारी क्लॉजेस होती हैं, डिफाइनिंग पहले, डिफाइनिंग क्लॉजेस का काम होता है एंटीसीडेंट का आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंटीसीडेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंटीसीडेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंटीसीडेंट, ठीक है। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज का काम होता है एलैबोरेशन ऑफ द एंटीसीडेंट, तो जो हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस लिखते हैं वो अपने एंटीसीडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए लिखी जाती हैं, उनका काम होता है आइडेंटिफाई कराना अपने एंटीसीडेंट को। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस जो होती हैं वो अपने एंटीसीडेंट को आइडेंटिफाई कराने के लिए नहीं लिखी जाती हैं, वो उसके बारे में एडिशनल जानकारी देती हैं, एलैबोरेट उसे करते हैं, एलैबोरेट का मतलब उसके बारे में एडिशनल जानकारी देती हैं हमें, बट उसकी पहचान नहीं करवाती, ठीक है। अब कोई बच्चा यहाँ पे सोचेगा ये क्या है आइडेंटिफिकेशन एलैबोरेशन, तो हमें कुछ पकड़ में नहीं आया। तो देखो ऐसा समझ लो, ठीक है, मान लो कहीं पर बहुत सी कोई चीजें हैं, बहुत से लोग हैं या बहुत सी चीजें हैं, उनमें से आप किसी एक की बात करना चाहते हो और वो सब एक से हैं। मान लीजिए हमारे घर के सामने एक पार्क है, उस पार्क में एक रो में 10 पेड़ हैं, 10 के 10 पेड़ नीम के हैं। अब उनमें से हम किसी एक पर्टिकुलर पेड़ को रेफर करना चाहते हैं कि ये नीम का पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था। अब नीम के पेड़ तो वहां पे कई हैं, अब उनमें से कौन से वाला पेड़ आपके दादा ने लगाया था, ठीक है, तो उसको आपको पहचान करानी पड़ेगी।
उसको आपको आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा, क्योंकि कई हैं नीम के पेड़, अब उनमें से कौन से वाला है जिसकी आप बात कर रहे हो जो आपके दादाजी ने लगाया था, तो उस पेड़ को आपको आइडेंटिफाई कराने की जरूरत पड़ेगी। तो आप कह दोगे द नेम ट्री ऑन विच स्क्वायरल्स आर रनिंग वॉज प्लांटेड बाय माई ग्रैंडफादर, कि वो नीम का पेड़ जिसपे गिलहरियां दौड़ रही हैं वो मेरे दादाजी ने लगाया था। तो ऑन विच स्क्वायरल्स आर रनिंग से हमें पता चल गया कि हाँ भाई ये वाला नीम का पेड़, इसकी बात की जा रही है। तो आइडेंटिफिकेशन हो गया पेड़ का कि कौन से वाला, बहुत से हैं तो उनमें से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अगर हम एक की बात करें तो ये आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, अब मान लो कहीं पार्क में, हमारे घर के सामने पार्क है और उसमें बहुत पेड़ है, नीम का पेड़ एक ही है, वेराइटी के हैं ठीक है, लेकिन नीम का पेड़ एक ही है। तो हमने कहा कि वो जो नीम का पेड़ जिसपे गिलहरियां दौड़ रही हैं वो मेरे दादाजी ने लगाया था। तो अब जब हम ये लिखेंगे द नेम ट्री ऑन विच स्क्विरल्स आर रनिंग वॉज प्लांटेड बाय माई ग्रैंडफादर, तो अब हमें पेड़ को आइडेंटिफाई नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि नीम का पेड़ एक ही है, तो वो तो देखते ही आदमी जान जाएगा हाँ भाई ये वाला नीम का पेड़, और नीम के पेड़ है ही नहीं। तो अब हम उसके लिए जो सब रिलेटिव क्लॉज लिखेंगे वो नॉन डिफाइनिंग होगी। समझ में? एक और एग्जांपल देता हूं उसे समझना। मान लो कोई पर्सन है, उसके कई घर हैं, कई हाउसेज हैं उसकी, बहुत उसके पास प्रॉपर्टी है। तो उसने कहा द हाउस विच आई लिव इन वॉज बॉट बाय माई फादर, जिस घर में मैं रहता हूं वो मेरे पिताजी के द्वारा खरीदा गया था। तो मान लेते हैं उसके कई घर हैं, एक में उसका भाई रहता है, एक में उसके पेरेंट्स रहते हैं, एक में ये रहता है, एक किराए पे उठा रखा है, ऐसा कुछ है। तो अगर उसके कई घर हैं और उनमें से किसी एक को उसे रेफर करना है तो उस एक को उसको आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा। तो हम उसके साथ जो क्लॉज लिखेंगे वो डिफाइनिंग होगी। लेकिन अब मान लो कोई पर्सन है उसका एक ही घर है, तो ये अंडरस्टूड है, जब वो माई हाउस कहेगा तो पता चल जाएगा कौन सा हाउस, क्योंकि उसका घर एक ही है। तो अगर कोई पर्सन ये कहे कि मेरा एक ही घर है और जिसमें मैं रहता हूं वो मेरे दादाजी ने बनाया था या पिताजी ने खरीदा था ऐसा कुछ, तो अब जब हम उसके लिए क्लॉज यूज करेंगे हाउस विच आई लिव इन विद माई फैमिली वॉज बॉट बाय माई फादर, तो अब हम नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखेंगे, क्योंकि अब हमें हाउस को पहचान नहीं करवानी कौन सा वाला घर, क्योंकि मेरा घर एक ही है, तो वो तो जब मैं मेरा घर कहूंगा तो आदमी जान ही जाएगा। ठीक है, तो अब हमें उस हाउस के बारे में एडिशनल जानकारी देनी है, विच आई लिव विद माई फैमिली, जिसमें मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। तो ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ये है आइडेंटिफिकेशन और एलेबोरेशन। तो समझ में आया? बताओ। चलो अब देखो, हमने लिखा माई अंकल हु इज अ टीचर गेव मी दिस बुक, तो यहां पे हमने अंकल के साथ में रिलेटिव क्लॉज जो लिखी है वो डिफाइनिंग है। तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज लिखने का मतलब ये हुआ कि मेरे कई अंकल होंगे, उनमें से जो अंकल टीचर हैं उन्होंने मुझे ये बुक दी है। तो मतलब मैं अंकल को यहाँ पे आइडेंटिफाई करा रहा हूँ कि विच अंकल, कौन से अंकल ने मुझे ये बुक दी है। मान लो किसी के बहुत से अंकल हैं तो उसको बताना पड़ेगा भाई कौन से वाले अंकल ने बुक दी है, तो उसने बता दिया हु इज अ टीचर, जो टीचर हैं उन्होंने ये बुक दी है। तो ठीक है, मान लो किसी के बहुत से अंकल हैं तो जो टीचर हैं उन्होंने बुक दी है, बाकी कोई डॉक्टर होंगे, कोई फार्मर होंगे, कोई बिजनेसमैन होंगे तो उन्होंने नहीं दिए, जो टीचर उन्होंने दी। ठीक है, माई अंकल हु इज अ टीचर गेव मी दिस बुक। अब मान लो कोई पर्सन है उसके एक ही अंकल हो, अंकल ना हो, तो उसको डिफाइन तो नहीं करना पड़ेगा कौन से वाले अंकल, तो फिर वो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज यूज करेगा, तो कॉमा लगा देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरे अंकल हैं जो कि टीचर भी हैं उन्होंने मुझे बुक दिया। तो ये दोनों सही है, सिचुएशन में डिफरेंस क्या है? मान लो कोई पर्सन है उसके एक ही अंकल है तो वो इस तरीके से लिखेगा, कोई ऐसा पर्सन है जिसके कई अंकल है उनमें से एक को उसे रेफर करना है तो वो ऐसे लिखेगा। ठीक है, दोनों सही हो गए। अब आ जाओ इस पर, My father who is a teacher gave me this book. तो हमने father के साथ में ना defining clause लिख दी। तो defining clause लिखकर मतलब हम which one को reply करते हैं। जैसे किसी person ने कहा कि my father gave me this book, तो कोई उसे पूछ दे which father, कौन से father? तो उसने बता दिया कि who is a teacher, जो teacher है वो वाले father, उन्होंने मुझे book दिया। तो इसका मतलब क्या निकला? Understood? इसका मतलब निकला कि इसके और भी father होंगे। ठीक है, जो कि हमें पता नहीं होता। अंकल कई हो सकते हैं, होते भी हैं कई बार, भाई कई हो सकते हैं, फ्रेंड कई हो सकते हैं, नेबर कई हो सकते हैं, फादर तो एक ही होते हैं, मदर भी एक ही होती हैं। तो ये हमने डिफाइनिंग क्लॉज लिख दिया ना, ये गलत है। हमें फादर के साथ नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखनी पड़ेगी। फादर को डिफाइन थोड़ी कराया जाता है कौन से वाले पिताजी, वो तो एक ही होते हैं, तो उनके साथ नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखनी पड़ेगी। तो ये जो चार सेंटेंसेस बच्चों हमने लिखे ना, इनमें से एक ही गलत है, सेंटेंस नंबर 3। अब मुझे लगता है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। चलो, तो डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस कैसे पहचानते हैं, क्या उनका काम होता है, ये आपको क्लियर हुआ है? एक दो एग्जांपल और मैं पूछ रहा हूँ, आंसर बताना।
अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये जो हमने सेंटेंसेस लिखे ना बच्चे, तो इसमें हमने ये लिखा है विच इज अ मेट्रो सिटी, ये रिलेटिव क्लॉज है। और इसका एंटीसीडेंट है दिल्ली, दिल्ली नाउन के लिए लिखी गई रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज जिस नाउन प्रोनाउन के लिए यूज होती है वो उसका एंटीसीडेंट होता है। दैट इज द हाउसवाइफ, ये भी एक रिलेटिव क्लॉज है। और माय मदर इसका एंटीसीडेंट है। अब यहां पर देखो कि जो आपके एंटीसीडेंट हैं इनके लिए आप कैसे क्लॉज यूज करोगे, डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग। एक मिनट, यहां कॉमा लगाया नहीं, लगा देता हूं। तो ये दोनों सेंटेंसेस आप देखो और बताओ ये सही है गलत। एंटीसीडेंट आपने पहचान लिए, उनकी रिलेटिव क्लॉज पहचान ली। बस ये देखो अभी क्या है कि हमें पता है कि अगर बहुत सी दिल्ली हो और हमें बताना हो कि वो दिल्ली जो मेट्रो सिटी है वो बहुत पॉल्यूटेड है, ठीक है, तो डिफाइनिंग क्लॉज लिखनी पड़ेगी। लेकिन हमें पता है दिल्ली तो एक ही शहर है, बहुत से तो दिल्ली शहर है नहीं, तो हमें यहाँ पे क्लॉज लिखनी चाहिए नॉन डिफाइनिंग, डिफाइनिंग नहीं लिखनी चाहिए। हमें कैसी क्लॉज लिखनी चाहिए? नॉन डिफाइनिंग। तो ये क्लॉज होनी चाहिए कैसी? नॉन डिफाइनिंग, ठीक है। उसी तरीके से जैसे फादर एक होते हैं, ठीक है, मदर भी एक ही होती है, तो ये क्लॉज भी होनी चाहिए नॉन डिफाइनिंग। ये नॉन डिफाइनिंग होनी चाहिए। अब हमें पता है कि जब हम नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखते हैं तो उसमें कॉमा लगाने पड़ते हैं, यहां तो हमने कॉमा लगाया नहीं, तो ये गलती है। कॉमा लिखो, कॉमा लगाओ तब सही होगा सेंटेंस। तो यहां पे कॉमा लगाओ तब ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सही लग रहा है क्योंकि इसमें कॉमाज लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसमें पहले से कॉमा लगे हुए हैं और ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है और ये नॉन डिफाइनिंग ही होनी भी चाहिए, तो ये सही लग रहा है। लेकिन ये भी गलत है, दैट नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस में नहीं यूज होता, दैट नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस में नहीं यूज होता। देखो जब हम रिलेटिव क्लॉजेस लिखते हैं बच्चों, तो रिलेटिव क्लॉजेस में हमें रिलेटिव प्रोनाउंस यूज करने पड़ते हैं। रिलेटिव क्लॉजेस जो होती हैं उनमें जो हम डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड यूज करते हैं उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, तो उनमें हमें रिलेटिव प्रोनाउंस यूज करने पड़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं हु, होम, विच और दैट, ठीक। इनमें से ये जो हु, होम, विच और दैट है, हु, होम, विच है, इनका यूज हम डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दोनों तरीके की क्लॉजेस में करते हैं। इनका यूज डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दोनों तरीके की रिलेटिव क्लॉजेस में होता है, ठीक। दैट जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो ओनली डिफाइनिंग क्लॉजेस में यूज होता है, वो नॉन डिफाइनिंग में नहीं यूज होता, ये केवल डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस में ही यूज होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि यहाँ पे हमें नॉन डिफाइनिंग क्लॉज चाहिए, कॉमा लगाने पड़ेंगे, पहले से लगे हुए हैं, लेकिन दैट रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस का होता है, नॉन डिफाइनिंग में नहीं होता है। हु, होम, विच, दैट यूज करना चाहिए। Which things के लिए होता है तो यूज नहीं कर सकते, होम ऑब्जेक्ट के लिए होता है तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, तो हमने हो लिख दिया। चलो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी लोग खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।